पाठ पांच। लिंग। नौकर खाना बना रहा है। नौकरानी बर्तन साफ कर रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माताजी कपड़े धो रही हैं। मोर नाच रहा है। मोरनी मोर देख रही है। इन चित्रों में नौकर, पिताजी और मोर शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। नौकरानी, माताजी और मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। हिंदी में जितने भी संज्ञाएं शब्द हैं, वे या तो किसी पुरुष का बोध कराते हैं या स्त्री का। इनमें वे शब्द भी हैं जो निर्जीव हैं, जैसे पहाड़, जंगल, पेड़ आदि। जब कोई आपसे यह जानना चाहता हो कि कोई पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो वह पूछता है कि इस शब्द का लिंग क्या है। परिभाषा। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं। पुलिंग, स्त्रीलिंग। पुलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुलिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, मुर्गा, मोर, राजा, पिता आदि। स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कुतिया, मुर्गी, मोरनी, रानी, माता आदि। सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का कोई ना कोई लिंग होता है। वे या तो पुलिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। नीचे दिए गए शब्दों के पुलिंग और स्त्रीलिंग रूप याद कीजिए। पुलिंग, स्त्रीलिंग। पिता, माता, बेटा, बेटी, भाई, भाभी या बहन, ससुर, सास, चाचा, चाची, दादा, दादी, बूढ़ा, बुढ़िया, वर, वधु, काका, काकी, छात्र, छात्रा, नौकर, नौकरानी, नाई, नाइन, माली, मालिन, मोर, मोरनी, कबूतर, कबूतरी, बाप, माँ, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, जेठ, जेठानी, ताऊ, ताई, नाना, नानी, वृद्ध, वृद्धा, दूल्हा, दुल्हन, राक्षस, राक्षसी, शिष्य, शिष्या, दास, दासी, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन, चीड़ा, चिड़िया, चूहा, चूहिया, पुरुष, स्त्री, आदमी या मर्द, औरत, नर, नारी, देवर, देवरानी, मामा, मामी, लड़का, लड़की, बालक, बालिका, साला, साली, देविया, देवता, देवी, अध्यापक, अध्यापिका, सेठ, सेठानी, राजा, रानी, पंडित, पंडिताइन, हंस, हंसिनी, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, रीछ, रीछनी, ऊंट, ऊंटनी, बकरा, बकरी, बैल, गाय, सिंह, सिंहनी, हिरन, हिरनी, घोड़ा, घोड़ी, गीदड़, गिदड़ी, कुत्ता, कुतिया, बाघ, बाघिन, हाथी, हथिनी, गधा, गधी, बंदर, बंदरिया, लोमड़, लोमड़ी। ऊपर दिए गए सभी शब्द सजीव हैं। सजीवों की तरह निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती हैं। नीचे कुछ निर्जीव वस्तुओं के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं। इन्हें याद कीजिए। इनका प्रयोग सदैव ही पुल्लिंग रूप में होता है। आम, अमरूद, पपीता, केला, संतरा, सेब, अंगूर, बेर, दूध, रसगुल्ला, समोसा, हलवा, घी, मक्खन, चश्मा, ताला, टेलीफोन, बटन, हाथ, दांत, कान, ओठ, पेट, सिर, बाल, अंगूठा, माथा, माला, पैर, घुटना, आईना, पलंग, बस्ता, कुल्हाड़ा, आलू, टमाटर, बैंगन, कटहल, अंडा, मांस,
आकाश, तारा, चांद, सूरज, सवेरा, दिन, पैमाना, हार, पहाड़, पानी, फूल, पत्थर, तांगा, दरवाजा, पेन, नल, फावड़ा, पकौड़ा, आलू, रास्ता, पंख, फर्श। इनका प्रयोग सदैव ही स्त्रीलिंग रूप में होता है। लीची, ककड़ी, खजूर, बर्फी, इमरती, जलेबी, दही, पकौड़ी, मलाई, चाट, मिठाई, रबड़ी, कुर्सी, चारपाई, मेज, अलमारी, कमीज, नाक, गर्दन, छाती, टांग, कोहनी, कलाई, उंगली, मूंछ, कमर, पीठ, खिड़की, छत, अंगूठी, सड़क, गली, जीभ, साड़ी, धोती, पैंट, निक्कर, जर्सी, पुस्तक, किताब, कॉपी, पेंसिल, टाई, माला, बेल, चांदनी, धरती, वर्षा, कार, बस, रेलगाड़ी, खोपड़ी, ऐनक, घंटी, चाबी, नल, मिठाई, पूंछ। कुछ निर्जीव वस्तुओं के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग रूप इस प्रकार भी बनते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लोटा, लुटिया, जूता, जूती, चमचा, चम्मच, गुड्डा, गुड़िया, छाता, छतरी, डिब्बा, डिबिया, कटोरा, कटोरी, पकौड़ा, पकौड़ी। इन्हें भी याद कीजिए। ये शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि।